अभी योग एक है, बाबा कहते हैं याद योग, योग माना जोड़, सर्व संबंध एक छ बाबा से जोड़ना। कर्म करते करते, खाना खाते, चलते फिरते, बाबा मेरा डॉक्टर है, कुछ बीमारी हुई शिव बाबा से पूछना चाहिए, बाबा मेरा टीचर है, कोई प्रश्न आया किसको पूछेंगे, ज्ञान किसका है, हमारा टीचर कौन है, एक है। बाबा के कमरे में बैठे बाबा से पूछो कोई भी प्रश्न हो, नहीं है टीचर को पूछो, नहीं है तो और किसी को पूछो, पहले बाबा से पूछते थे, बाबा हमारा टीचर। सर्व संबंध कर्म करते करते, बाप हमारा साजन है, बाप हमारा बच्चा है, टीचर है, सदगुरु है, दोस्त है, ये सर्व संबंध जो जोड़ना है तो ये बाबा से कर्म करते करते। लेकिन इससे भी जो किए हुए विकर्म है पहले का वो मिटते नहीं है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है तो उससे क्या होगा, दोबारा दूसरे विकर्म नहीं बनते हैं। ये दोनों में अच्छे तरह से याद और योग से, तपस्या से किए पुराने जो किए हुए हैं, योग अग्नि ज्वाला स्वरूप बीज रूप, बीज के साथ संबंध जोड़ते हो, अग्नि है अग्नि के साथ संबंध जोड़ो, अग्नि में कोई चीज डालो बस हो जाएगा ना, तो मन बुद्धि हम परम धाम तक जाना चाहिए। जैसे देखो एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आता है, दो तार जोड़ना तब बल्ब जलता है। तो आत्मा को भी शक्ति अगर चाहिए, करंट चाहिए पाप मिटाने के लिए, तो ये दो तार है मन और बुद्धि, ये दोनों परम धाम तक जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, विधि, कुछ कहीं जाता नहीं, कुछ आत्मा इधर ही है, मन और बुद्धि के अंदर विचार चलते हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे अपने मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ,